600 फुट का खतरनाक एस्टुआर पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हर संभावित खतरे को टालने के लिए वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए हैं। माइनर प्लेनेट सेंटर के डेटा से पता चला है कि आज ये ग्रह हमारी पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। ये 11,73,412 किलोमीटर की दूरी तय कर आज पृथ्वी को पार करेगा। हमारी पृथ्वी को हर रोज किसी ना किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हाल के दिनों को देखें तो ऐसा कोई हफ्ता नहीं बीता जब पृथ्वी के नजदीक से कोई चट्टानी आफत ना गुजरी हो। आज भी ऐसा ही होने वाला है। माइनर प्लेनेट सेंटर के डेटा से पता चला है कि आज एस्टेरॉयड 1998 HH 49 हमारी पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। ये 600 फुट साइज का है। यह अंतरिक्ष से 11,73,412 किलोमीटर की दूरी से आया है। आज यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के बिल्कुल करीब से गुजरेगा। बता दें कि अंतरिक्ष की विशालता के आगे ये दूरी मामूली है, इसीलिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एस्टेरॉयड को पृथ्वी के लिए संभावित रूप से खतरनाक माना है। माइनर प्लेनेट सेंटर डेटा बताता है कि इस एस्टेरॉयड की खोज साल 1998 में हुई थी। बता दें कि माइनर प्लेनेट सेंटर का मतलब हीन ग्रह केंद्र होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है जिसका काम विश्व स्तर पर हीन ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं से संबंधित जानकारी एकत्रित करके उनकी कक्षाओं का अनुमान लगाना है, साथ ही इसकी जानकारी सभी देशों को पहुंचाना है। इस केंद्र में विश्व भर के वैज्ञानिक काम करते हैं। जब किसी नए हीन ग्रह की खोज होती है तो उसका औपचारिक नामांकन भी यही संस्था करती है। हीन ग्रह केंद्र क्षुद्र ग्रहों की कक्षा का अध्ययन करके ये अनुमान लगाता है कि इसके पृथ्वी पर आने से क्या खतरा है। माइनर प्लेनेट सेंटर डेटा रिपोर्ट के अनुसार ये एस्टेरॉयड आखिरी बार दिसंबर 2021 में पृथ्वी के करीब आया था। फिलहाल ये 53,233 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे ग्रह की तरफ बढ़ रहा है। इसके आकार और दूरी को खोजते हुए वैज्ञानिक एस्टेरॉयड को तब तक मॉनिटर करते रहेंगे जब तक ये पृथ्वी से दूर नहीं चला जाता। एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो बड़ी तबाही मचा सकता है। वैज्ञानिक मानते आए हैं कि करोड़ों साल पहले धरती से डायनासोरों का खात्मा एक एस्टेरॉयड की टक्कर के बाद मचे विनाश से हुआ था। बता दें कि एस्टेरॉयड को लघु ग्रह भी कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह एस्टेरॉयड भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिक अभी तक 11,13,527 एस्टेरॉयड का पता लगा चुके हैं। ज्यादातर एस्टेरॉयड एक मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।